जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 जून 2022 को होने वाले सूर्य के राशि परिवर्तन से धनु राशि के लोगों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। जानेंगे आपका व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन कैसा होगा। जानेंगे सभी बातों के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। सूर्य जो कि समस्त विश्व की आत्मा है, इसलिए सूर्य को जगतपते, ज्योति स्वरूप, ईश नारायण का स्वरूप माना जाता है। वेदों में सूर्य को अग्नि का स्वरूप भी मानते हैं, इसलिए सूर्य में सृजनात्मक का प्रभाव होने से सृष्टि का क्रम भी सूर्य से चलता है। परंतु सूर्य के अंदर नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा दोनों का ही प्रभाव है। सूर्य के शक्ति के बिना जातक सांसारिक जीवन में और आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में उन्नति पाना मुश्किल है। शास्त्रों के अनुसार जितने भी यज्ञ कर्म होते हैं, इसका साक्षी सूर्य होता है। सूर्य ही आत्मबल का कारक है और सूर्य से ही जातक का आत्मबल और उसकी मानसिकता, जीवन के प्रति नजरिया और आदर्श, अनुशासन और उच्च कोटि का प्रेम एवं सूर्य के उच्च पद देखा जाता है। वैज्ञानिक आधार पर देखा जाए तो समस्त ग्रह सूर्य का बल प्राप्त करके अपना शुभ फल देने में समर्थ रखते हैं। सूर्य की किरणों से चंद्रमा में शुभत्व प्राप्त होता है, जो पूर्णिमा का प्रकाश सूर्य से ही मिलता है। चंद्रमा सूर्य से शक्ति प्राप्त करने पर चंद्रमा जातक के मन की स्थिरता को दर्शाता है। जब सूर्य चंद्रमा को सकारात्मक प्रभाव देता है तो माता के उच्च कोटि के संस्कार व सहयोग मिलते हैं। मंगल ग्रह के अंदर जो साहस, पराक्रम, बल सूर्य से ही प्राप्त होता है। सूर्य की ऊर्जा शक्ति प्राप्त करने के बाद मंगल जातक के अंदर कठिनाई और परेशानी का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। गुरु के विषय में कहा जाता है कि सूर्य का गुरु गुरु है और इसी ग्रह से जातकों गृहस्थ सुख, समृद्धि, ज्ञान और विवेक का मालूम किया जाता है। किंतु गुरु ग्रह को आत्म प्रकाश यानी प्राण शक्ति सूर्य से ही मिलती है, जिससे जातक को धार्मिक और शुभ मार्ग पर चलने की शक्ति की प्रेरणा मिलती है। सूर्य की किरणें शुक्र को ना मिले तो शुक्र प्रभावहीन है। सूर्य जब शुक्र को ऊर्जा का स्रोत प्रभावित करता है तभी जातक को संसार के भौतिक सुख का आनंद मिलता है। शनि कर्म का कारक है, वहीं कर्म करने के सूर्योदय होना यानी दिन का होना जरूरी है। वह शक्ति शनि को उसे सूर्य से ही प्राप्त होती है। सूर्य से प्राप्त शक्ति शनि न्यायपूर्वक कर्म करने की क्षमता देते हैं, इसलिए शास्त्रों में सूर्य को राजा माना गया है। सूर्य का दायित्व भी अधिक माना जाता है और कुंडली में विभिन्न दशा में यह अपना प्रभाव दिखाता है। सूर्य का गोचर 15 जून 2022 बुधवार को दोपहर 11:58 पर होगा। ये वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और यहां इसी स्थिति में 16 जुलाई 2022 तक रहेंगे। और धनु राशि के लोगों के लिए सूर्य उनके नवम भाव के स्वामी है यानी भाग्य भाव के स्वामी है। अब इस गोचर के दौरान सूर्यदेव आपकी राशि के सप्तम भाव में स्थित होंगे, तो ऐसे में इस गोचर काल के दौरान सूर्य का प्रभाव सबसे अधिक इस राशि के शादीशुदा लोगों पर दिखाई देगा, उनके दाम्पत्य जीवन पर होगा, साझेदारी में व्यापार कर रहे लोगों के ऊपर होगा। इस राशि के जो लोग शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, यह गोचर काल उन लोगों के लिए विशेष अनुकूल परिणाम देने वाला होगा। इस दौरान आपके जीवन साथी के द्वारा आपको सुख की अनुभूति होगी। वैवाहिक जीवन में खुशियां होंगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव बढ़ेगा, अच्छे संबंध होंगे। लेकिन यह गोचर विवाहित लोगों के रिश्ते में अहम अहंकार में वृद्धि लेकर आएगा, जिससे कई बार आपसी वाद विवाद होने की स्थिति पैदा हो सकती है, तो ऐसे में अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। अन्यथा इसका नकारात्मक प्रभाव सीधे तौर पर आपके रिश्तों को प्रभावित करने वाला होगा।
तो ऐसे में आपको अपने पार्टनर के साथ सही बातचीत के जरिए अपने संबंध बेहतर करने की आवश्यकता होगी और साथ ही अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। इस राशि के जो लोग साझेदारी में कोई व्यापार या व्यवसाय करते हैं तो उन्हें इस दौरान अच्छे फल मिलने के योग बनेंगे, जिससे आपको अच्छा धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि यह समय आपको उन्नति का होगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी वृद्धि देखेंगे, अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, आपके करियर में रफ्तार बढ़ेगी। इस राशि के जो लोग नौकरी पेशे से जुड़े हुए हैं उन्हें अपने सहयोगियों का पूरा सहयोग मिलेगा और अपने कार्य को समय पर पूरा करने में आप कामयाब होंगे। आपकी आपके ऑफिस में एक अच्छी छवि होगी, जिससे आपके उच्च अधिकारी भी प्रभावित होंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। और यह समय प्रेम संबंधों के लिहाज से बहुत शुभ होगा। जो लोग प्रेम विवाह में बंधना चाहते हैं उनके लिए यह गोचर शुभ साबित होगा। धनु राशि के लोगों को नियमित रूप से भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और साथ ही सुबह स्नान आदि करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दें तो परेशानियां दूर होंगी और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।